नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। पीएम मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, का डबल इंजन की सरकार का फोकस विकास पर। नकवी का बिना नाम लिए एसपी सांसदों पर तंज, कहा महिलाओं के सम्मान को लेकर तालिबानी सोच भारत में नहीं चलेगी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नवी मुंबई में 16 छात्र कोरोना संक्रमित, कतर से लौटे थे एक बच्चे के पिता। हाईकोर्ट से एयर इंडिया की अर्जी खारिज, पायलटों के हक में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती कंपनी। पंजाब के फिरोजपुर में बॉर्डर के पास दिखा चीन में बना पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने मार गिराया। श्रीनगर में सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड, -6 डिग्री के साथ सबसे ठंड मौसम दर्ज। फाइजर की भविष्यवाणी, साल 2024 तक पीछा नहीं छोड़ेगी कोरोना महामारी। न्यूयॉर्क में एक दिन में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा 21,000 मामले दर्ज, पाबंदियां लगनी शुरू। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट, 7.7 करोड़ डॉलर घटकर 635.82 अरब डॉलर हुआ। 2 महीने में शेयर बाजार में बिकवाली के चलते निवेशकों को 15.32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।